हाय नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फ्रेंड्स, जय महादेव। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत 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 ही अच्छा है, और जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने रोज प्लांट्स की शॉपिंग। मैंने काफ़ी सारे रोज प्लांट खरीदे हैं, जो कि मैं बहुत टाइम से जो है वेट कर रही थी इनका, फाइनली मैंने ले लिए है। कि मैंने 2 दिन पहले परचेज कर लिए थे। एक भैया हैं, वो आते थे मेरे घर के पास देने प्लांट, अभी न्यू आए हैं। मैं बहुत टाइम से दिन से ले रही थी प्लांट, और नर्सरी में भी ये जो मेरे घर के पास नर्सरी है वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, और दूर एक नर्सरी है वहाँ बताते हैं लोग कि बहुत अच्छे प्लांट मिल जाते, पर नहीं जा पाती मैं अकेले, क्योंकि हैं बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं ऐसी, और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो जो है एक्स्ट्रा टाइम ले जाकर मुझे प्लांट वगैरह की शॉपिंग कराएं। चाहते हैं वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बस यही है ना, टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फाइनली जो भैया आते थे उन्होंने मुझे दे दिए हैं, और इतने खूबसूरत, इतने अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स मुझे उन्होंने दिए हैं कि मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ, जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं या जिन लोगों को गार्डनिंग पसंद है, तो ये वीडियो खास उनके लिए है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन फट से पहुंच जाए, और जो है मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा खूब 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 ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को गार्डनिंग पसंद आती है या नहीं, या फिर आप गार्डनिंग में कुछ जानना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा उन्होंने पॉट दिया हुआ है, बिग पॉट ये है, और ये अच्छी खासी जो है इसकी लेंथ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये है प्लांट, और ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है, धूप में होना थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आई थिंक ये है पिंक रोज, नो सॉरी ऑरेंज रोज है, ये ऑरेंज रोज का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे चाहिए थे सभी तरीके के रोज़, मुझे चाहिए थे तो मैंने उनसे मंगाए थे। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, मुझे जल्दी दिखा दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये है दूसरा प्लांट, और ये है रेड कलर का, इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे। इन सभी जो जितने भी मैंने आज जितने भी प्लांट मैं आज आपको दिखाऊंगी, वो सारे जो है विदेशी रोज़ के प्लांट्स हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा घने और बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे। तो ये देखिए आप, ये इसमें रेड कलर का आएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा थोड़ा। आप ये देखिए, हल्का सा दिख रहा है, इसमें बर्ड्स हैं। सबसे अच्छी बात है, जितने भी प्लांट्स मैंने लिए इन सब में बर्ड्स हैं, ताकि मतलब अच्छे खासे ग्रोथ हुए हुए हैं, ये मरेंगे नहीं प्लांट्स, ये 100% चल जाएंगे। तो थोड़े से कास्टली पड़े हैं, मगर कोई नहीं, प्लांट की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी विद पॉट है, और ये ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम, और ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। ये है रेड कलर का, ये आपको मैंने जो दिखाया, ये ऑरेंज कलर का, अब इसको साइड कर देती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ग्रो बैग है, बहुत बड़ा। ये देखिए, मुझे लगता है ये करीब 6 इंच का जो है ग्रो बैग है, वो पूरा जो है अच्छे से जो उसमें मिट्टी भी भरी हुई है। और ये है पिंक कलर का जो है रोज है, और इसमें जो है पूरे साल आपको रोज़ मिलेंगे, ठीक है? और ये बिना कांटे वाला पेड़ है रोज़ का, आप चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप गार्डनिंग करते होंगे तो आपको पता होगा, न्यू है तो आप पूछिएगा अपने जिनसे भी आप प्लांट्स लेते हैं, चाहे वो आपके घर के पास आते हों या जो भी नर्सरी वगैरह से लेते हों, उनसे लीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्लांट है, उसमें पिंक कलर के रोज आएंगे, और ये जो है पूरे 12 मास आते हैं, यानी कि पूरे 365 दिन, और ये बहुत बड़ा है, ये देखिए बहुत घना, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा, ये भी विद पॉट है, और ये देखिए बहुत बड़ा है, अच्छा खासा है। और ये देखिए, ये है, ये शायद वाइट कलर का है, दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखिए कुछ दिख रहा है, ये वाइट पिंक मिक्स है, लाइट पिंक आएगा, तो सॉरी ये जो है जो बिना काटे वाला फ्लावर है, ये लाइट पिंक का फ्लावर आएगा। ये पिंक ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल पिंक कलर होता है वो कलर है,
और इसका भी बहुत घना और बहुत बड़ा फ्लावर निकलेगा। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसके फ्लावर इतने खूबसूरत आते हैं सभी के कि जब ये जो अब आप समझ लीजिए इसमें बर्ड्स आए हुए हैं, तो जिनके भी फ्लावर्स आते जाएंगे मैं आपको वीडियो जो है शेयर करती जाऊंगी, तो वीडियो वॉच करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो है आपको सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। ये है येलो कलर का है आई थिंक, ये भी रेड है मुझे लगता है, मैं तो भूल गई शायद। हाँ ये भी जो है रेड कलर का ही है और इसका थोड़ा सा ग्रो बैक छोटा है, पर कोई नहीं। ये भी विदेशी या देसी, नो ये विदेशी प्लांट है। हाँ ठीक डन, ये विदेशी ही रोज़ प्लांट है और इसमें जो है बहुत अच्छे येलो कलर के प्लांट्स फ्लावर्स आएंगे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि पता है मेरे घर में कोई आया तो वो मेरे साथ नहीं है, तो वो देख देख के बार बार हंस देती है तो मुझे हंसी आ जाती है। इसमें येलो कलर के प्लांट्स में येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे इस प्लांट में और बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए इसमें तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये देखिए ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है, करीब 7 इंच का ग्रो बैग है और मिट्टी भी अच्छे से इन्होंने इसमें जो है फिल करी हुई है। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितने बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखिए वो वहाँ पर पीछे हैं, ये देखिए कितने सारे अच्छे खासे बर्ड्स आए हुए हैं। बहुत ही मतलब जिन्होंने मुझे प्लांट्स ये दिए हैं उनसे मैंने मंगाए थे, वो स्पेशल लेकर आए थे मेरे लिए सारे रोज़ प्लांट्स, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चले हुए प्लांट्स हैं। ये अगर अगर आपके पास अभी गमले नहीं भी हों यानी पॉट नहीं भी हों तो आप इनको ऐसे ही 1-2 महीने भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है पेड़ चलते रहेंगे। और ये देखिए ये भी रेड कलर का ही, अब आप सोचेंगे रेड कलर के दो ले लिए, नो दो नहीं ले लिए, जो मैंने पहले आपको रेड कलर का दिखाया कहाँ गया, ये देखिए ये जो मैंने आपको पहले ये दिखाया है रेड कलर का ये वाला प्लांट, इसमें छोटे आएंगे मतलब इतना बड़ा फ्लावर आएगा, ठीक है। और जो इन्होंने मुझे ये रेड प्लांट ना दिया है, रेड फ्लावर का रोज़ प्लांट जो दिया है, इसमें वो कह रहे थे 6 से 7 इंच का जो है फ्लावर आएगा। अब मुझे इंतज़ार है कि जल्दी से ये फ्लावर जो है खिले और मैं जो है इसका वीडियो बनाकर आप सबको शेयर करूँ, इसलिए मैंने इसको बस इसीलिए ले लिया क्योंकि जो है पहले से मेरे पास एक रोज़ प्लांट था रेड कलर, मगर वो देसी है, उसके फ्लावर्स छोटे रहते हैं और जो बहुत जल्दी ही पत्तियाँ उसकी गिर जाती हैं, मगर एक ये मैंने आज लिया है, ये इसमें छोटा है इतना बड़ा, मतलब बहुत छोटा नहीं आएगा, विदेशी प्लांट है तो इतना बड़ा तो आएगा। इसमें उन्होंने कहा 6-7 इंच का, मतलब हाथ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा रोज़ इसमें खिलेगा, तो आप इसके देख सकते हैं ये बहुत जल्दी खिल जाएगा। तो ये सारे मैंने लिए हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देख रहे हैं सब में जो है अच्छे से जो है बर्ड्स आए हुए हैं, सब पेड़ चले हुए हैं। ये देखिए ये है एक, ये है ये है, ये येलो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने टोटल 6 प्लांट्स रोज़ के ख़रीदे हैं, और भी प्लांट ख़रीदे हैं पर ये स्पेशल रोज़ प्लांट्स का ही वीडियो था। तो आपको कैसी लगी मेरे रोज़ प्लांट्स की शॉपिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय महादेव।